Audio Jungle. Audio Jungle. इसोक की बड़ी खबर किशनगंज के कोचाधाम प्रखंड बताते चलें कि कोचाधामन के नजरपुर पंचायत में जहां जनवितरण प्रणाली द्वारा कई गड़बड़ी खुली सामने तस्वीरों पर बताते चले कि रातों रात जनवितरण प्रणाली ने चावल का बोरा को गमन करने का की कोशिश वहीं ग्रामीणों ने रोककर जब्त किया एमओ प्रशासन द्वारा जानकारी मिलने पर मीडिया कर्मी भी पहुंचकर इस मामले की जानकारी ली वहीं बताते चलें कि पूर्व प्रजंड विधायक इजहार अस्पी साहब के पुत्र मौजूद रहे वहीं एमओ संजय कुमार सोनी ने भी पहुंचकर राशन को किया जब्त जब्त के दौरान उन्होंने कहा कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी आखिर क्या कुछ है तस्वीरों पर सीधे लेकर बड़ी जानकारी इस वक्त मामला ऐसा है कि यहाँ के लोगों के द्वारा हमको फोन पर सूचना दिया गया कि सर यहाँ पर कालाबाजारी के लिए जा रहा था जिसको हम लोग जब्त करके रखे हुए आप आइए हम यहाँ आए तो प्रथम दृष्टि देख रहे हैं कि यह माल जो है गाड़ी पर लदा हुआ है और यह जो खाद्यान्न है यह सरकारी अनुदानित खाद्यान्न ही है। इस संदर्भ में यहाँ के जैसे लोगों ने बताया कि यह खाद्यान्न जो है वह देव कुमार हरजन सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली विक्रेता नजरपुर का है। ऐसी स्थिति में हम लोग वहाँ पर जाकर गोदाम में उसका जांच कर उस वहाँ का खाद्यान्न मौजूद है उसके गोदाम में खाद्यान्न को हम लोग पाए। अब इसके बाद इस गाड़ी को सीज करके हम इसको थाना ले जा रहे हैं और उसके बाद विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी उसको करें। ठीक हरिजन का जब देव कुमार हरिजन डीलर का जब माल नहीं था देव कुमार हरिजन का जब माल नहीं था तो वो रात 2 बजे इल्लू के पास आया क्यों कि ये हम लोगों को बचा लीजिए छोड़ दीजिए वीडियो भी है विधायक गुड्डू मुखिया जी के पास वीडियो है आप लोग देख सकते और लोगों के पास भी है ये जो है ना ये यहाँ के लोग जो है इसको देखा कि वहाँ से जाकर के माल उठा कर के जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ा तो जस्ट उससे 10 कदम आगे ही इन लोगों ने गाड़ी को पकड़ा पकड़ने के बाद वहाँ से जब लोग रोकने बोला गाड़ी को तो गाड़ी को रगेदते हुए यहाँ पर आकर के किसी कदर जो है ड्राइवर पे जो है ये लोग काबू पाकर के गाड़ी को रोका गया यहाँ पे आगे क्या उसके, उसके उसके दरवाजे से गया। उसके बाद इन लोगों ने मुझे फोन किया रात में मैंने फिर एमओ साहब को और थाना प्रभारी को इन लोगों सबको सूचना दिया और सूचना के साथ ये लोग आए भी और ये लोग आकर के उनका गोदाम का भी अभी वेरिफिकेशन किए उनके गोदाम से जो है 156 बोरा चावल और 107 बोरा गेहूँ अभी रखा हुआ उसके गोदाम में और इन लोगों का अभी जितने सारे यहाँ पे लोग हैं जितने सारे पब्लिक हैं इन लोगों का एक कहना भी है कि हम लोगों का जो है पहले फिंगर ले लिया है अभी तक हम लोग को राशन भी नहीं दिया है और रेट में भी अधिक लेता है हम लोग को और माल भी 5 किलो के जगह में 4 किलो अनाज भी देता है। तो मैं एमओ साहब से खास तौर से कहना चाहूँगा कि आप सब पंचायतों में इसका एक बार जाँच करवाइए और ख़ास तौर पर ये जो है आपका देव कुमार जो है इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए और इसको अविलंब सस्पेंड कीजिए और नहीं तो देव कुमार को जो है अभी तुरंत जो है इसको आप सस्पेंड का कार्रवाई करते हुए काम काज बढ़ाइए। वहीं स्थानीय लोगों से संवाददाता मिन्हास आलम ने की बात तो उन्होंने कहा कि अगर जनवितरण प्रणाली ऐसे अगर करेंगे तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगी ऐसे में अब प्रशासन से लगाई जा रही उम्मीद की ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। हालांकि बताते चले कि संवाददाता ने पहुँच कर कई जानकारियाँ जुटाई जनवितरण प्रणाली हालांकि 1 महीने से राशन नहीं दे रहे थे लोगों को एडवांस में फिंगरप्रिंट भी लिया जाता था ऐसे में जनवितरण प्रणाली के पदाधिकारी खाद आपूर्ति पदाधिकारी ने भी पूरे गोदाम का भी जायजा लिया उसके बाद मेजरमेंट लेने के बाद जानकारी मिल पाई कि अब इनके विरुद्ध जो कार्रवाई होगी वो 7C के तहत की जाएंगी। हालांकि स्थानीय पुलिस प्रशासन भी मौजूद रही मौके पर अनाज को की गई जब्त कर पुलिस के हवाले किया गया देखना यह है कि अब कार्रवाई क्या होती है ग्रामीणों को साहस बहास के लिए दी गई बड़ी आश्वासन। ब्यूरो रिपोर्ट मिन्हास आलम किशनगंज से।